गुड इवनिंग दोस्तों। सो दोस्तों, अभी हूँ मैं भट्टू मिनिस्ट्री की नियरबाई, जो शेर बिलिंगा और पालपुंग करके मिनिस्ट्री है इस जगह का नाम। तो दोस्तों, अभी मैं आया था यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि चलो अंदर जाऊँ, तो लेकिन ड्यू टू दिस पैंडमिक ये भी अभी क्लोज्ड है और अभी तक कोई करंट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब तक ओपन होगी। अगर आप प्लान कर रहे हैं इस जगह पे आने के लिए तो अभी तक फिलहाल मत करना, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी स्टोरी है नहीं कि अभी ये ओपन होएगी। और फिर भी मैं आपको स्तूपा गेस्ट हाउसेज तो दिखाई दूंगा, और स्तूपा गेस्ट हाउसेज और एक साथ में वहाँ पे स्तूपाज हैं जो भट्टू में मेन अट्रैक्शन है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो मिनिस्ट्री है पालपुंग और शेरबिलिंगा, और साथ में एक इंस्टीट्यूट है, तो वो भी दिखाना था मैंने आपको, क्योंकि ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट सबसे बड़ी अट्रैक्शन है हमारे बीट बिलिंग की। अगर मिनिस्ट्रीज की बात करूँ तो इसे इस जगह को लैंड ऑफ द बुद्धा भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्री है इस हमारे एरिया में। तो ये मेरे घर से महज है 14 किलोमीटर की दूरी पर है ये जगह, और तो मैंने सोचा ये तो बनता है यार दिखाना, क्योंकि हमारे जो एरिया एक्चुअल में ये सारा का सारा ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो फिलहाल अभी मैं आपको लेके जाऊंगा घोरनाला। तो घोरनाला एक जगह है वहाँ पे जो कैंपिंग्स हैं, वहाँ पे कोई जो लोग हट्स हैं उनके थ्रू आउट जो स्टेज के लिए बनाया रखा है क्लाइंट्स के लिए, टूरिस्ट के लिए, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो प्लीज़ बने रहे मेरे साथ और प्लीज़ पूरी इन्फॉर्मेशन ढंग से लें और देखें। अगर आप प्लान कर रहे हो, बार बार बोल रहा हूँ, जो शेरबिलिंगा पालपुंग मिनिस्ट्री है यहाँ पे, तो वो अभी तक फ़िलहाल बंद है, ठीक है। तो ये रहा प्रूफ, इस जगह पे ही मैं खड़ा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, हम पहुँच गए हैं आपका जो स्तूपाज हैं उनके नियर बाई, और यहाँ पे स्तूपा गेस्ट हाउस भी है। यहाँ पे इजली आपको रूम मिल जाएंगे, और सबसे मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको जो यहाँ पर तिब्बतियन हैंडीक्राफ्ट्स के रिलेटेड कुछ भी चीज़ें चाहिए होंगे तो वहाँ पे अच्छे शॉप्स अवेलेबल हैं इस जगह पे, और रेस्टोरेंट भी इनके पास खुद का अवेलेबल है, तो आप इस जगह पे आके एंजॉय कर सकते हैं। द स्तूपा गेस्ट हाउस के साथ की जो लेफ्ट साइड में आपको ब्लू बिल्डिंग दिख रही है, यही यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट अवेलेबल है, और साथ में इनकी एक शॉप भी है। वहाँ पे आप तिब्बतियन जो भी उनके स्टोन्स हो गए या फिर क्लॉथ्स हो गए, जितने भी अपेरल्स नॉन अपेरल्स आप इस जगह पे ले सकते हो। तो ये जो आपको फ्लैग्स दिख रहे हैं, इनमें तिब्बतियन चैंट्स हैं। माना यह जाता है कि जिस जगह पे मतलब हवा में चलती है तो चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है, उस चीज़ के लिए ये लगाए गए हैं। और ये साथ में हैं इनके सुपास, काफ़ी अच्छी, और ये एक बहुत ही धार्मिक जगह है। आप भी आएँ इस जगह में, शांति और सुकून को महसूस करें। तो वैसे मोस्ट प्रोबेबली तो यहाँ पे कपल्स ही आते हैं, जो तिब्बतियन लोग हैं वो यहाँ पे काफ़ी आते हैं, और लेकिन बहुत अच्छी जगह है यार, ये बहुत शानदार जगह है। मतलब आप देख ही सकते हो कि किस तरह के नज़ारे हैं इस जगह पे। पे डिपेंड है, और ये साथ में जो आप देख रहे हैं सोफा के नीचे, ये है नीचे इनका खुद का अपना हॉस्पिटल, ये भी तिब्बतियन हॉस्पिटल है। और ये जो है वो सर दिख रही है आपको, ये शायद जो फोनर्स आते हैं उनके स्टे के लिए उन्होंने बना रखा है, जो यहाँ पे इनके स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अकोमोडेशन बना रखा है या गेस्ट के लिए। तो बने रहे मेरे साथ और देखें कि किस तरह के नज़ारे हैं हमारे गाँव के आसपास। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंचा हूँ कटोच होम स्टे है, तो ये है कटोच होम स्टे। तो अभी हम जाएंगे घोरनाला, जो घरनाला भी बोलते हैं उस जगह को। तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे पहुंच के हम देखेंगे कि किस तरह की कैंपिंग्स अवेलेबल हैं वहाँ पे। तो वो थ्रू आउट द हब है कैंपिंग का, कि जितनी भी कैंप्स हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं, मतलब जो अच्छा एक स्पेस है, मतलब अगर आप एकांत चाहते हो तो उस जगह में बहुत सही जगह है वो। अभी हम निकल चुके हैं घरनाला के लिए, जो घरनाला घोरनाला जो भी है, और तो नहीं कुछ। वो रहा आपका धर्माल्य, वहाँ पे हमने पहुँचना है। अगर आप शायद देख पा रहे हो तो फोकस कर दूँ मैं इस जगह को। तो ये रही हमारी मंजिल, और
मुझे प्रिंस मिल गया है, मेरा फ्रेंड मेरा चाहेंगे यहाँ पे, क्योंकि मुझे मुश्किल हो जानी थी वीडियो बनाने के लिए। तो ये मौसम तो हो ही गया कुछ विहंगम विहंगम दृश्य दोस्तों। यहाँ से वो रास्ता है जो अब हम ये चला गया मेन लैंडिंग साइट के लिए, और हम जा रहे हैं यहाँ पे जो ये जगह है आपकी भोर नाले के लिए और डायरेक्ट बिलिंग के लिए ये रास्ता है। और शाम तो हो ही चुकी है, लगभग 6 बज चुके हैं। देखते हैं कि हम क्या कवर करवाते हैं आज, सबसे पहले गोर नाला या फिर धर्माल्या। ये फ्लाइंग हो रही है भाई, फ्लाइंग फ्लाइंग दिख रही है। चल भाई तू भी आइए, गुड लॉस को आगे आगे निकल जा, निकल जा। रास्ता जो है यहाँ से हमने लेफ्ट टर्न लेना है, शिवीरामा का जो बोर्ड लगा है, शिवीरामा कैंप। और ये रास्ता कुछ इस तरह है गोरनाला का। गोरनाला इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा सा रहता है, दिन के टाइम पे भी बहुत ही ज्यादा जगह आप देख ही रहे हो किस तरह की है। अगर आपको शुद्ध हिंदी आती है तो आपको घोर का मतलब पता होगा, घोर मतलब घोर गोर जैसी जगह, काफी डीप बोलते हैं डेंस फॉरेस्ट है ये। और रात को बंदा यहाँ अकेला नहीं रह सकता है। पहले यहाँ पे एक ही कैफे हुआ करता था जिसका नाम था एकांत कैफे, सिंगल कैफे इन द सेंस कि वो दो दिन उन्होंने रूम वगैरह रखे थे और कुछ नहीं था, गेस्ट हाउस टाइप था, एकांत गेस्ट हाउस। और अभी बन गए हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ, वही हम आपको बताएंगे कि आखिरकार है क्या क्या ये। ये कोई मिट्टी नहीं है, ये जो चीड़ है, चीड़ से बोलते हैं हम, इसकी पत्तियां हैं जो सूख के काफी ज्यादा भयानक हो चुकी हैं। सो गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं फाइनली गोर नाला में, और जगह इतनी गोर होती जा रही है क्योंकि आया तो काफी टाइम लेकिन बोलना पड़ रहा है आपके लिए। साइड मिरर भी है तो पहुंचेंगे अभी हम कोरनाला में। साले के साथ कोरनाला है क्यों, लोकल लैंग्वेज में तो बोलते हैं खरनाला, लेकिन जो ऑथेंटिक वे है इसका बोल का तो है कोरनाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, ये हमें दिख गई है कैंप्स, इस तरह के कैंप अवेलेबल है यहाँ पे। ये यही हुआ करता था पहले एकांत होम से, रोड कुछ इस तरह का है। ओए 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 बिली माउंट कैंप, हाँ नहीं चलते हैं इधर के करना, पहले उधर जा जाते हैं ना क्लाउड नाइन में। कैंप सीधा, ओए होए ये बोले जी मंडी। सो दोस्तों हम पहुंच गए हैं क्लाउड नाइन कॉटेज में, इनके खुद के अपने कॉटेजेस हैं और प्लस इनकी अपनी कैंपिंग्स भी अवेलेबल है इस जगह पे। तो चलो चलते हैं आपको अंदर लेके और बताता हूँ मैं किस तरह का इनका
क्या क्या मतलब इनका सर्विस ये देते हैं और क्या इनके पास चीज़ें अवेलेबल हैं। तो जैसे आप एंट्री करते हो तो बहुत ही ज़्यादा इनका एक खूबसूरत सा जो कैफ़े है या रेस्टोरेंट बोल लो आप, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑथेंटिक पूरा फुल ऑन हिमाचली फील लगता है। जैसे ही हिमाचली पेंटिंग आपको सामने दिखती है आप समझ जाते हो कि आप एक बहुत अच्छी जगह आ चुके हो। और यह क्लाउड 9 का मतलब जो कैंपिंग अवेलेबल है इनकी और इनकी कॉटेजेस अवेलेबल हैं, तो काफ़ी सुंदर जगह है और बहुत ही अच्छा मतलब एक एम्बियंस है इस जगह का, आप देख ही सकते हो। और सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है इस जगह की, मेन अट्रैक्शन है पूरे थ्रू आउट द घोरनाला की, तो वो अब आपके सामने पेश है, वो है इनका खुद का अपना स्विमिंग पूल। और देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा है इस जगह का यार, कि चारों तरफ आप जंगल के बीचों बीच आप हो और इनके कॉटेजेस हैं कितने सही, तो और साथ में कैंपिंग अवेलेबल है और बीच में आपको एक लग्जरी फील की तरह आपको एक स्विमिंग पूल मिल जाता है, तो आप सोच ही सकते हो कि किस तरह की ये चीज़ है। और ये मेन बीट से लगभग 6 to 7 किलोमीटर्स की दूरी पर है और ये घोरनाला एक जगह है। अगर धर्मालय भी मोस्ट प्रोबेबली इस लैंडमार्क है इस जगह का, तो धर्मालय थोड़ा सा दूर है इस जगह पे, लेकिन काफ़ी अच्छी जगह है यार ये स्विमिंग पूल, तो इसमें इस जगह पे 4 चांद लगा देता है इस जगह को। सीरियसली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो उन्होंने पूरे मड हाउसेस भी बनाए हैं छोटे छोटे, और साथ में एक काफ़ी अच्छा एक नेचर के साथ इन्होंने टच दिया है कि आपको यकीन नहीं होगा कि आप जब पहुंचोगे इस जगह पे तो आपका जो खुद का एक बोलते हैं कि अंदर से इनिशियल फील आएगा, बहुत ऑसम वाला फील आएगा। सो दोस्तों हम मैं आपको लेके चलता हूँ उनके कॉटेजेस दिखाने आपको टॉप में, तो किस तरह की मतलब इनके रूम्स हैं और किस तरह की फैसिलिटीज़ इन्होंने दे रखी हैं। माहौल तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक खूबसूरत है और बहुत अच्छा मतलब एम्बियंस है यार, सीरियसली यार क्या बताएं कि मतलब मैं यहाँ पे आया था कि मैंने धर्मालय भी जाना है, लेकिन मेरा मतलब मैं आता रहता हूँ यहाँ पे, लेकिन आज कुछ मौसम इस तरह का हो रखा था कि ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी और बीच में स्विमिंग पूल और साथ में सारे लोग दोस्त भी मिल गए यहाँ पे मेरे को, तो उस वजह से मैं काफ़ी लेट हो गया। तो यहाँ पे आके मैं शायद आज धर्मालय नहीं जा पाऊँगा क्योंकि शाम तो हो चुकी है, 7:30 बज चुके हैं, तो कहाँ पर अभी मैं आपको धर्मालय दिखा पाऊँगा, लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग मैं देखता हूँ कि आपको मैं यहाँ पर स्टे करूँगा आज, उसके बाद दिखाते हैं आपको किस तरह का है यहाँ पे जो धर्मालय है। फिलहाल अभी हम चलते हैं जो यहाँ के जो कॉटेजेस हैं उसके टॉप रूप में और दिखाते हैं आपको पूरा का पूरा एरिया किस तरह सा दिखता है यहाँ से। तो ये इसका जो आर्किटेक्चर और आप डिज़ाइन तो देख ही रहे हो कि कितना यूनिक कंसेप्ट है ये, और इनकी कैंपिंग भी अवेलेबल है। सो दोस्तों जैसे ही मैं इनकी फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट साइड में जो कैंपिंग दिख रही है काफ़ी हाइजीन है और अटैच वॉशरूम है इनके और काफ़ी अच्छे बेडिंग वगैरह प्रॉपर है यहाँ पे। और अब मैं लेके चलता हूँ ऊपर आपको कॉटेजेस के रूम दिखाने, तो ये पूरे वुडन का है साथ में। और ये जो भाई साहब ये जो दिख रहा था ना यार, ये कुछ अलग ही था यार, कि मतलब जितनी बार आओ ना ये कुछ ना कुछ यूनिक कर देते हैं और मतलब हर बार दिल जीत लेते हैं कि नहीं ये चीज़ इन्होंने मेन अट्रैक्शन अगर इस टाइम पर घोरनाला की है तो वो है क्लाउड 9। तो काफ़ी अच्छा है यार, मतलब सीरियसली अमेजिंग है ना, चारों तरफ आपको 360 में व्यू मिल जाता है, आप लश ग्रीनरी वाले ट्रीज में जंगल के बीचों बीच हैं और साथ में ये स्विमिंग पूल और साथ में लाजवाब खाना मिल जाए तो भाई साहब बात ही क्या होगी, और एक प्रॉपर लग्जरी फील तो है इस जगह पे। तो भीड़ में ये काफ़ी अच्छे स्कॉप्स हैं, मतलब अभी आप देख रहे होगे कि आप आ सकते हो यहाँ पे डे में, आपकी ऑनलाइन बुकिंग भी है क्लाउड 9 जो है उन जिनकी, तो आप आए यहाँ पे अच्छे से स्टे करें। और ये थ्रू आउट द एरिया सिर्फ कैंपिंग्स के लिए जाना जाता है, आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैंपिंग्स अवेलेबल। सो दोस्तों इस तरह का ये है अंदर रूम और काफ़ी अच्छी बेडिंग कर रखी है विद अटैच वॉशरूम है इसके साथ, और आपको बाहर जाके ये खूबसूरत नज़ारा मिलता है जो आप देख सकते हो कि बाहर निकलते के साथ आपको स्विमिंग पूल है, और क्या चाहिए यार, वो भी इतनी छोटी, मतलब ये टूरिज्म डेस्टिनेशन थी, अभी तो वर्ल्ड वाइड होगी फेमस, लेकिन आपको घोरनाला फिर भी भीड़ से काफ़ी दूर है, मतलब 7-8 किलोमीटर पहाड़ों में बहुत दूर होता है, तो ये काफ़ी अच्छी जगह है यार, सीरियसली अमेजिंग ना। सो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है और कल मैं लेके जाऊँगा धर्मालय, तो
धर्माले लेके चलते हैं आपको, और आप भी इस जगह पे आएँ, इन्जॉय करें वेकेशन, अपनी फैमिली के साथ आएँ या फिर दोस्तों के साथ आएँ, वट एवर इट्स अप टू यू, लेकिन फुल ऑन इन्जॉय करें और इस जगह को गंदा बिल्कुल ना करें। आप जगह देख ही सकते हो कितनी जगह अच्छी है, तो प्लीज़ मेंटेन रखें अपनी साफ सफाई, दैट्स इट। है तो यहाँ का नालों का ही नहीं है पानी। गाइस ये रहा क्लाउड नाइन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो दोस्तों अभी हूँ मैं, पहुँच गया हूँ घरनाला में एक बार फिर से, क्योंकि कल रात को यहाँ पे आ नहीं पाए थे, अंधेरा हो चुका था, क्लाउड नाइन में ही हमने काफ़ी जो टाइम स्पेंड कर दिया। तो फिलहाल मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ अभी वो है आपका धर्मालय, तो देखते हैं वो ओपन है कि क्या है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन काफ़ी अच्छी लोकेशन है, वो मड हाउसेस का कंसेप्ट है, तो और मतलब जो सस्टेनेबल टूरिज्म को वो प्रमोट करते हैं और ये लोगों को अवेयर करते हैं कि मड हाउसेस के क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरह का मतलब जो ट्रेडिशनल वे था हमारा लाइफस्टाइल का उसको फॉलो करके कितनी बेहतरीन ज़िंदगी जी सकते हैं, तो वो चीज़ें हैं उनका। और योगा सेंटर भी है वो, तो मैंने सोचा वो जो मेन अट्रैक्शन है और एक हिडन अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं उस चीज़ को, तो वो है यहाँ पे। तो प्लीज़ बने रहे मेरे साथ, तो मैं लोकेशन बताता हूँ आपको कहाँ से जाना है। ये जो रास्ता है ये आपका ये चला गया, ये ऊपर का जो रास्ता दिख रहा है आपको उबड़खाबड़, यहाँ से अब मैं बाइक लेके जाऊँगा, तो सजेशन यही रहेगी जो बाइकर्स हैं वो तो जा सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लोग पैदल ही जाते हैं इस जगह पे, लगभग 1 किलोमीटर या 700-800 मीटर ही होगा, इतनी दूरी है। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ और देखें पूरा कंसेप्ट। सो रास्ता तो कुछ उबड़ खाबड़ है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी भी है, और तो प्लीज़ ध्यान से चलना पड़ेगा मुझे भी, और मैं बाइक लेके जा रहा हूँ ऊपर, तो रास्ता तो फिलहाल है ही नहीं एक तरफ से। सो इस तरह का रास्ता है कुछ, और वो जो सामने आपको दिख रहा है वही धर्मालय है, तो वहाँ पे मैं लेके जाऊँगा जहाँ तक बाइक जाती है मोस्टली वहाँ तक। और ये नीचे कैंपिंग वाले एरिया है, और आपको सामने जो दिख रही है वो बिलिंग घाटी है, और पैराग्लाइडर्स तो शायद आपको दिख ही रहे हैं कि कितने उड़ रहे हैं यहाँ पर। तो ये रास्ता कुछ इस तरह का है। सो दोस्तों बाइक मैंने यहाँ पर पार्क कर दी है क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो थोड़ा सा हाइक करके जाना पड़ेगा मेरे को, माइट भी 100 मीटर्स, तो उस जगह पे जा रहा हूँ मैं, तो मिलते हैं दिखाते हैं आपको किस तरह का है यहाँ पे मड हाउसेस। और एक चीज़ और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, ठीक आपको नीचे दिख रहा है ये है आपका बट्टू मोनेस्ट्री, जो शेरबिलिंगा पालपुंग मोनेस्ट्रीज हैं वो यहीं हैं सारी। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाली और इस तरह का है कुछ ये जगह, और यहाँ पे हमने जाएंगे अब ट्रैक करके। ये घोर नाला इसीलिए बोलते हैं क्योंकि काफी अंधेरा रहता है जगह का। ये है पता नहीं हिमाचली में तो हम इसे कैंथ ही बोलते हैं, कैंथ, ये दोस्तों कैंथ, पता नहीं वही हिंदी में भी क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इसे कैंथ ही बोलते होंगे। गंगोर जंगल और रामजीत में मैं हूँ इस टाइम पे अकेला, हर चीज बंद है, हो दोस्तों इस तरह की कुछ हरियाली है। जो धर्मालय है वो तो अभी क्लोज है, लेकिन मैं बाहर से दिखा दूंगा आपको, हालत खराब होगी भाई चढ़ के। तो दोस्तों ये है आपका घोरनाला का मेन गांव, और कुछ नज़ारे इस तरह हैं, वो जो दिख रहे हैं आपको ब्राणी ट्रैक है, मतलब ब्राणी माता का टेंपल उस जगह पे, और ये ऊपर बिलिंग घाटी। सोनी दोस्तों ये है नीचे धर्मालय, लेकिन रास्ता तो कोई दिख नहीं रहा मेरे को जाने के लिए, फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखा दूँ।
जो मड हाउसेज हैं यहाँ पे, रास्ता नहीं मिल रहा मुझे। सो दोस्तों, ये रहा धर्मालय जो अभी फ़िलहाल बंद है और चारों तरफ इसके बोर्ड लगे हुए हैं कि क्लोज क्लोज क्लोज। तो मैंने सोचा फ़िलहाल फिर भी मैं इतनी दूर आया हूँ तो आपको दिखा ही दूँ। तो ये है धर्मालय, योगा सेंटर है यहाँ पे, और इनका कंसेप्ट है मड हाउसेस को प्रमोट करना। और इनको जो भी है, मतलब ये सस्टेनेबल टूरिज्म को ही प्रमोट करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इस तरह का इसका कुछ कंसेप्ट है। आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे आके देख सकते हो। मैं चारों तरफ घूम के देख लिया कि हर तरफ इनके चारों बोर्ड लगे हुए थे। मैंने सोचा कि किसी रास्ते पे तो लगा हुआ ओपन, पर कहीं पे भी ओपन नहीं था। और ये रहा कोहनारा, जो नीचे कैंपिंग साइट थी वो सारी सारी। तो अभी मेरे को पूरा 2-3 किलोमीटर घूम के जाऊँगा पूरे गाँव से होके, निकलता हूँ बीचों बीच। और जब धर्मालय के चारों तरफ घूमने के बाद दोस्तों, मैं एक बार फिर पहुँच गया गोरनाला में अगेन। और मैं यहाँ पे निकला जंगल से होते होते बीचों बीच, एक कैंपिंग साइट थी यहाँ पे, तो उस जगह पे पहुँचा मैं। तो मैंने सोचा चलो आपको ये भी दिखा देते हैं, ये भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। तो चलो दिखाते हैं आपको अंदर किस तरह का है। तो इनके अपने कैंप ऑक व्यू करके इनकी कैंपिंग है अवेलेबल, और इनके कुछ कॉटेजेस भी हैं। काफ़ी अच्छा, मतलब एक यूनिक सा कंसेप्ट है इनके पास भी। आप यहाँ पे आओगे तो, मैंने पहले भी आपको बताया कि आप गोरनाला में आओगे तो सारी की सारी जितनी भी आपको यहाँ पे कैंपिंग्स और इस तरह के कुछ यूनिक कंसेप्ट, आपको हर बंदे का एक अलग नज़र आएगा। तो जैसे ही अंदर गया तो उनका भी अपने छोटे छोटे कॉटेजेस थे, और साथ में इन्होंने टेंट थे इनके अपने, तो काफ़ी अच्छा था यार। दोस्तों, तो मेरी जर्नी यहाँ तक की थी और मैं निकल रहा हूँ अब घर के लिए। तो आप भी यहाँ पे आएँ और एंजॉय करें इस जगह को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।